तो गाइस नेक्स्ट वीडियो हमारी ये कीबोर्ड है। बहुत से बंदे कीबोर्ड यूज़ करते हैं लैपटॉप के साथ। अब लैपटॉप तो बाज़ औक़ात एक अच्छी मशीन मिल जाती है, लेकिन साथ कीबोर्ड हमें इतना कोई ख़ास नहीं मिलता। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि ये देखें कोई मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है ये, लेकिन ये फिर भी सस्ते में आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला कीबोर्ड है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं कीबोर्ड में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता हूँ। जैसे कि आप इसका साउंड देख सकते हैं, इसके कीवर्ड देख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं हटते। और इसकी हालांकि एक मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी कीज़ वगैरह, इसके ऑल पार्ट्स बहुत अच्छी तरह से फर्निश है। डेल कंपनी का है ये, इसका मॉडल 205 है, डेल 205। और ये आई थिंक 800 to 900 आपको मिल जाएगा। ये तकरीबन मुझे इस पर 3 साल हो गए हैं और 3 साल से मैं मुसलसल यूज़ कर रहा हूँ। इसने कहीं भी मुझे कोई अभी तक इशू नहीं दिया। महंगी चीज़ लेना हर बंदे की ख्वाहिश होती है, लेकिन सस्ते में एक अच्छी चीज़ मिल जाना ये भी एक अच्छी बात होती है। तो ये है कि मैं इसको पर्सनली बहुत हर काम में यूज़ करता हूँ, टाइपिंग में, वीडियो गेम्स में और एडिट, बहुत हर काम में तकरीबन मेरा डेली ड्राइवर ही है ये लैपटॉप। तो मुझे ये कहीं भी इशू नहीं देता। और क्या कहते हैं, अच्छी भली इसकी तकरीबन 1.5 से 2 मीटर की तार है, जो कि माइक्रो USB से कनेक्टेड है। तो आपने बहुत महंगे महंगे 5,000 वाले 10,000 वाले कीबोर्ड देखे होंगे, ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, प्राइसिंग के हिसाब से वो ठीक है। लेकिन अगर आप इसको 700 वाले कौन से कंपेयर करें तो सिर्फ 19-20 का फ़र्क होगा और नो नथिंग, कोई एक्स्ट्रा फ़र्क नहीं है। ये सारे काम आपके ये कर सकता है जो कि वो कर सकता है। बस क्या है, उसमें आपको RGB मिलती है, आपको थोड़ा सा मैकेनिकल मिल जाता है जिसकी वजह से आप क्लियर करते हो, इसको क्लीन कर सकते हो। मैंने इसको तकरीबन साल में हल्का फुल्का 2-3 दफ़ा क्लीन करता हूँ, उसके अलावा मैं इसको क्लीन नहीं करता। लेकिन अभी तक इसने मुझे कहीं पे कोई भी इशू नहीं दिया। जैसे आप बटन देख सकते हैं कितने स्मूथली प्रेस हो रहे हैं, मैं इसको कोई सा भी बटन दबा लूँ सारे स्मूथली प्रेस हो रहे हैं, कोई इशू नहीं है मुझे इसमें, कोई मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। हाँ, बस दिल को सेटिस्फाई करने वाली बात है, मुझे आज तक इसने किसी भी इसमें इशू में किसी भी चीज़ में इशू नहीं दिया इसने, ठीक है। और जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी मैं इसी से एडिट करके अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। तो बाकी हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हम आपको सस्ते में अच्छा काम करा दें। अगर आप वो 7,000 वाले 8,000 वाले कीबोर्ड को इससे कंपेयर करेंगे तो 19-20 का फ़र्क होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसकी जगह डायरेक्ट ले लेगा, लेकिन नहीं, लेकिन ये है कि अगर आप यूज़ करने वाले हैं तो आपको इतना इशू नहीं होगा। तो पैसे बचाएं और पैसा आप किसी और जगह इस्तेमाल में लाएं, आपके कहीं और इस्तेमाल में आ जाएंगे, आपको हो सकता है कहीं फ़ायदा हो जाए। ये तो आज बाकी आज है, ये तो एक ना एक दिन इसने भी ख़राब हो जाना है, उसने भी ख़राब हो जाना है, ठीक है। तो ये आप 10 ले सकते हैं, मेरा 3 साल हो गए इसको चलते हुए, तकरीबन 30 साल तक चल सकते हैं। अगर आप वो एक ही टाइम में ले लेंगे फिर 3 साल 4 साल बाद 5 साल बाद टूट ही जाएगा वो। तो बाकी ऐसी विश, बाकी जिसका रिव्यू करते हुए बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो होप यू आपको भी समझ आ गई होगी, पैसे बचाएं और अपनी लाइफ के ऊपर, अपने ऊपर वो पैसे खर्च करें जो कि ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा। सी यू लेटर।